राहतगढ़ से हमारे संवाददाता आमिर कुरैशी की रिपोर्ट। सदस्यता अभियान की लक्ष्य पूर्ति के लिए साथ करें सांसद, भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक हुई संपन्न राहतगढ़ में। नगर में सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद राज बहादुर सिंह ठाकुर थे। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि सदस्यता अभियान को लक्ष्य पूर्ति के साथ कार्य करें तथा सघन सदस्यता अभियान चलाकर नए सदस्यों को पार्टी में जोड़ें। सभी कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार की जनहितैषी योजनाओं का भरपूर प्रचार प्रसार करें और आम नागरिक को इससे अवगत कराएं। बैठक के दौरान 750 नए सदस्य बनाए गए। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पूर्ण स्मृति पर, केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर हो जाने पर उन्हें 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके उपरांत स्थानीय शासकीय महाविद्यालय में सांसद के द्वारा पौधारोपण किया गया। इस मौके पर अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। रायसेन से हमारे संवाददाता भरत सिंह मीणा की रिपोर्ट। नदी में गिरी ट्रैक्टर ट्राली। रायसेन के जाखा के पुराने पुल से बेतवा नदी पे 42 बोरी खाद की ले जा रहे ट्रैक्टर ट्राली नदी में गिरा। ड्राइवर ने कूद कर बचाई अपनी जान। रायसेन के जाखा के पुराने पुल से बेतवा नदी में किसान अवध नारायण मीणा का ट्रैक्टर ट्राली स्टेयरिंग फेल होने के कारण गिर गया था। अवध नारायण मीणा ने कूद कर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची उमरावगंज पुलिस की टीम और गोताखोरों ने ट्रैक्टर ट्राली को ढूंढने की कोशिश की, पर ट्रैक्टर ट्राली पानी में बहाव तेज होने के कारण नहीं मिल सकी। थाना प्रभारी शाहनवाज खान ने बताया कि पानी के बहाव तेज होने के कारण गोताखोरों को ट्रैक्टर ट्राली में ढूंढने में परेशानी हो रही है। वहीं बताया जा रहा अवध नारायण मीणा रायसेन से खाद की 42 बोरी खरीद कर अपने खेत पर ले जा रहे थे, तभी जाखा के पुराने पुल पर हादसा हुआ। रायसेन से हमारे संवाददाता भारत सिंह मीणा की रिपोर्ट। सिलपुर के रहने वाले हैं, अपना ट्रैक्टर खाद लेकर ट्राली से जा रहे थे, तो जानकारी ये मिल रही है कि स्टीयरिंग फेल होने से उनका ट्रैक्टर जो है अनबैलेंस होकर पुल में गिर गया। तो पानी इतना ज्यादा है कि ट्रैक्टर पानी में गुम हो गया, अभी दिखाई नहीं दे रहा, तलाश रहे हैं लोग गोताखोर। रायसेन सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। पिछले लंबे समय से नाबालिग के साथ जबरदस्ती करता था दुष्कर्म। नाबालिग ने उसके पड़ोसी नौसाद उर्फ मट्ठा करता था शारीरिक शोषण। नाबालिग के प्रेग्नेंट होने पर हुआ खुलासा। सुल्तानपुर नगर के वार्ड नंबर 10 का निवासी आरोपी पिछले दिन लंबे समय से पड़ोस में रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग के साथ लंबे समय से जबरदस्ती दुष्कर्म करता था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग अचानक तबीयत बिगड़ी। माता पिता 14 वर्षीय नाबालिग को सुल्तानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए लाए, जहां नाबालिग युवती के 8 माह की मृत बच्चे को जन्म दिया, जिसकी सूचना पर डॉक्टर द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने वार्ड 10 निवासी नौसाद को पास्को एक्ट के धारा 376 हरिजन एक्ट एवं 506 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी की सूचना ऐसा हुआ है जिसमें मृत बच्चा जन्मा है, उस पर मर्ग की कायमी करके अपराध पंजीबद्ध किया है। लड़की के बयान लिए गए हैं और बयान के आधार पर अपराध कायम कर विवेचना में है। 376, 506 नाबालिग होने से पास्को एक्ट और SC ST एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध।